हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस एलिमेंट एंड ब्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ न्यूट्रेला रोल्स की रेसिपी शेयर करूंगी। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं न्यूट्रेला रोल्स बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ मैंने लिया है 2 साबुत लाल मिर्च, 15 से 20 करी पत्ती, 3 लहसुन की कलियाँ हैं जिसको मैंने बारीक कट करके रखा है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसको भी मैंने बारीक कट करके रखा है। साथ ही लेना है 1/2 चम्मच के करीब ज़ीरा। और उसके बाद हम लेंगे सोयाबीन, इसको मैंने 5 से 6 घंटे पहले ही भिंगो के रख दिया था। फिर उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है, 1 कप के करीब है। साथ ही लेना है 1 कप के करीब मैदा, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग और बॉयल किया हुआ आलू। न्यूट्रेला रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका डो तैयार करना है। डो के लिए मैंने लिया है मैदा 1 कप के करीब, उसमें डाल रहे हैं टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। नमक के बाद डालना है 1 पिंच के करीब ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल हम अच्छे से डाल देंगे ताकि जो इसका मोयन रहे बहुत अच्छा लगे और खाने में बहुत ही खस्ता है। तो अब इसको बहुत अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे और इसका एक मीडियम डो बना के तैयार कर लेंगे। और डो बिल्कुल भी सख्त नहीं होना चाहिए, एक मीडियम डो तैयार कर लेना है हमें। तो मीडियम डो कुछ इसी तरीके का होना चाहिए। अब इसको हम रेस्ट पे रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। साथ ही मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली है यहाँ पे। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल। साथ ही डालना है 1/2 चम्मच के करीब ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद हम डालेंगे अदरक और जो बारीक कट किया हुआ लहसुन था उसको डालेंगे। साथ ही हम डालेंगे करी पत्ता भी और ये जो साबुत लाल मिर्च थी उसको भी डाल देंगे। डालने के बाद इन सभी को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा लहसुन और अदरक का कलर चेंज हो जाए तब तक हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। इसमें हम डालेंगे बॉयल किया हुआ आलू। ये 2 आलू था जिसको मैंने बॉयल करके रखा है, ये छोटे साइज़ के आलू थे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा आलू का कलर चेंज हो गया। इसमें हम डालेंगे सोयाबीन जिसको मैंने पीस के रखा हुआ था, तो ठीक इसी तरीके से हम डाल के इसको भी अच्छे से मिला देंगे। अब इस न्यूट्रेला के मिक्सचर में हमें डालना है टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने के बाद इसे हमें 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से न्यूट्रेला को पका लेना है। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। पक जाने के बाद इसमें मैंने डाला है बारीक कट किया हुआ धनिया। अब इसे ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। अब हम लेंगे डो जिसको मैंने रेस्ट करने के लिए रखा हुआ था। डो के इस तरीके से हम कुछ पेड़े बना लेंगे और एक पेड़ा उसमें से लेना है और इसको एक गोल शेप में हम बेल लेंगे। कुछ इस तरीके का मैंने यहाँ शेप में बेल लिया है, गोल शेप में, जिस तरीके से पूरी बनती है ठीक इसी तरीके से मैंने बेल के यहाँ पे रख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब ये जो न्यूट्रेला का मैंने मिक्सचर बनाया था, तो इस तरीके से हम डाल के साइड में थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे ताकि बिल्कुल भी ये तेल में जाते खुले ना। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम साइड से लॉक कर देंगे और इस तरीके से आप लॉक कर देंगे तो जब भी तेल में जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। ठीक इसी तरीके से सारे रोल्स को मैंने यहाँ पर बना के रख लिया है। अब मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें ऑयल डाल दिया है। साथ ही हम डालेंगे ये न्यूट्रेला रोल्स को और एक एक करके हम इसमें सारी न्यूट्रेला रोल्स डाल देंगे और फिर इसे हमें तब तक डीप फ्राई करना है जब तक कि थोड़ा सा न्यूट्रेला रोल्स का कलर ना चेंज हो जाए। अब आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है। अब इसे गोल्डन ब्राउन तक हम इसे अच्छे से तल लेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन आ चुका है। अब इसे हमें निकाल लेना है, तो मैंने यहाँ एक प्लेट में निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर भी आ चुका है। इसी तरीके से मैंने बाकी के भी न्यूट्रेला रोल्स को निकाल लिया है। तो साथ ही मैंने यहाँ एक प्लेट में न्यूट्रेला रोल्स को निकाल लिया है, मैंने तोड़ के भी दिखाया है ये कितना अच्छा देखने में लग रहा है। साथ ही मैंने रखा है इसके साथ टमाटर और धनिया की चटनी। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही इजी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। अब मैं मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।